ओम शांति। आदरणीय दादी जानकी जी का क्लास है, टाइटल है रिलेशन के साथ साथ परमात्मा से ठीक कनेक्शन हो तब उसके अंत को जान सकते हैं। 1 सितंबर 2006 का क्लास है। बाबा ने सिखाया है मुरली सुनने के बाद मुरली रिवाइज करनी चाहिए। मुरली सुनने के बाद बाबा हमको पैदल लेकर जाता था। अगर कोई सेवा है तो भी कम से कम 10 मिनट शांत में रहे, मुरली को रिवाइज करके फिर सेवा में लगो। जिसको रिवाइज करने से करने का रस बैठा है वो कार्य करते भी मीठे बाबा के बोल जो सुने हैं उन्हें अंदर से भूलते नहीं हैं, याद नहीं करने पड़ते हैं। जिसको और बातें याद करनी पड़ती है उन्हें बाबा की याद भूल जाती है। अटपटी बातें खटपटी बातें याद रहती है। कोई है जो ऐसी चटपटी बातें करते हैं जो सबको अपनी तरफ खींच लेते हैं, खटपटी बातें जिनका कोई अर्थ नहीं है। ऐसी बातों में अपना कितना समय गवाते हैं ये अपने आप से पूछो। जिसको मीठे बाबा की बातें दिल में अच्छी लगती है उनके सामने ये बातें कोई क्या कोई करेगा ही नहीं। ये अनुभव है। हमेशा आकर्षण और उलझन में रहने वालों के आगे ये बातें आती है। इसलिए बाबा कहते हैं संभालो अपने आप को। रोज सुबह अमृत वेले यहाँ आने के पहले बाबा की ऐसी मीठी बातें नई बातें याद करो तो अमृत वेले नींद नहीं आएगी। रमणीक बातें हर्षित मुख बनाने वाली बातें याद करो। अभी हम छोटे बच्चे नहीं हैं। छोटे हैं माना अभी बाबा की बातों को धारण करने में छोटे हैं माना बेबी बुद्धि। उन्हें अच्छा लगता है पर कर उन्हें अच्छा लगता है हम बेबी बुद्धि वालों को पर कर नहीं पाते। दूसरे हैं बुद्धू, बुद्धि से काम नहीं लेते हैं। बाबा दिव्य बुद्धि दाता है। राइट रॉन्ग सच झूठ बाबा सब स्पष्ट सुना देता है। ये बातें जीवन में सदा है तो कोई बात कठिन नहीं है। बात आई बात चली गई, हम बाबा के पास बैठ गए। बाबा हमारा गाइड है। भले कोई पावन बन रहा है लेकिन उनका कोई गाइड नहीं है, बाबा तो हमारा गाइड है। पहली बात बाबा के बने। अगर भूले करेंगे तो बाबा कहते एडॉप्शन रद्द हो जाएगी। भले बाबा ने चुन के कहाँ कहाँ से लाया है पर ऐसी बुद्धि बदल जाती है जो बाबा भी दिल से नहीं निकलता। दिल में कुछ और बात है। दिल से बाबा निकलना चाहिए ना, वो नहीं निकलता क्योंकि दिल में कुछ और बात है तो बाबा कहाँ से आएगा। मुख्य पहली बात है दिल से बाबा तभी निकलता है जब कोई भी बात सुनते देखते न देखो। सी फादर फॉलो फादर ये बात मुझे कभी भूली ही नहीं। हर एक अंदर जाकर देखे कि मैं दिन में कितना बारी बाबा को देखती हूँ। बाबा के सिवाय और किसी को तो नहीं देखती हूँ। फिर बाबा कहते बच्चे जो कुछ बात हुई ड्रामा फिनिश। इसने रॉन्ग किया इसने राइट किया तुमको ये चिंतन करने के लिए किसने कहा है? बुरा किया या अच्छा किया तुम्हारा क्या जाता है? इसी चिंतन में मैं मरूं या मेरा क्या हाल होगा? ये ध्यान रखना चाहिए कि खराब चिंतन में रहने की आदत है तो जब वो मरेगा तो उसके चिंतन में वही आएगी क्योंकि मरने की तैयारी हम पहले से कर रहे हैं। तो व्यर्थ चिंतन में जो रहते हैं वो समझ जाए। अंतमति में वही मेरे चिंतन में आएगा। इसलिए प्रभु चिंतन में जो मरे वो वैकुंठ रस पाए। जिसको वैकुंठ याद होगा वही वाया परम धाम शांति धाम सुख धाम जा सकेंगे। राज्य पद तो पीछे मिलेगा लेकिन अधिकारीपन का नशा अभी से है। अंदर से
निरअहंकारी और अधिकारी है। इसी को कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।